Assalamu alaikum. In today's General Science and Ability lecture, we will discuss physical sciences topic. The content of the lecture will be differences between the stars and planets, how to measure the magnitude of stars. CSS 2021 mein question aa chuka hai, photometric system, color schemes of stars, temperature and color relations of stars, lifetime of stars, and past paper questions discussion in both CSS and PMS. Okay, we will discuss this lecture with the introduction of planets. What are planets? So basically, the designation planets or the world planets is originally described as wanderers that were known only as a moving lights in the sky. Ancient Greek mein wo log suraj ko bhi, zameen ko bhi, chand ko bhi, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, in sab ko wo planets kehte the. Yani even wo unhone sun ko bhi planet ki designation mein rakha hua tha. और ना सिर्फ ये बल्कि एंशंट ग्रीक में ये तसव्वुर किया जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में ज़मीन पाई जाती है और जितने भी बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. लेकिन फिर 17th सेंचुरी में एस्ट्रोनोमर्स ने टेलीस्कोप की इन्वेंशन की. जैसे टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सोलर सिस्टम के सेंटर में अर्थ नहीं बल्कि सन है, और इसके अलावा भी जो अर्थ के मून है ये सैटेलाइट्स हैं, ये प्लैनेट्स नहीं हैं. क्योंकि वो पहले मून को भी प्लैनेट तसव्वुर करते थे, लेकिन 17th सेंचुरी में टेलीस्कोप की इन्वेंशन के बाद उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मून इज़ अ सैटेलाइट नॉट अ प्लैनेट, और सन इज़ नॉट इन द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम बट सॉरी अर्थ इज़ नॉट इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बट सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. फिर इस टेलीस्कोप की मदद से 1781 में यूरेनस को इन्होंने डिस्कवर किया एज अ प्लानट. फिर 1846 में नेपट्यून को डिस्कवर किया एज अ प्लानट, और फिर 1801 में इन्होंने सेरिस को भी डिस्कवर किया था एज अ प्लानट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर्स. एंड वी ऑल नो दैट सेरिस इज़ नॉट अ प्लानट, सेरिस इज़ एन एस्टेरॉयड. तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहला एस्टेरॉयड डिस्कवर किया गया था वो सेरिस था 1801 में, और उसको तब प्लानट की डेजिग्नेशन में इन्होंने रखा था. फिर 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया था एज अ नाइन्थ प्लानट, और जो प्लूटो का साइज़ है वो मरकरी से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है. इवन बहुत सारे जो प्लेनेटरी मून्स हैं उनसे भी प्लूटो का साइज़ काफ़ी छोटा है. 1980s तक हम प्लूटो को नाइन्थ प्लैनेट ही कहते थे सोलर सिस्टम का, लेकिन उसके बाद फिर उसकी डेजिग्नेशन चेंज हो गई. नाउ वी कंसिडर प्लूटो एज अ डार्फ प्लैनेट. नाउ वट वेन द प्लैनेट डिबेट अराइज, 2005 में एक एस्ट्रोनोमर्स की टीम ने एक प्लैनेट को डिस्कवर किया और उसको KBO सिस्टम का नाम दिया, और जो KBO का साइज़ था वो प्लूटो के करीब तरीन था, और उन्होंने इसको 10th प्लैनेट कह दिया था. तो पीपल बिगेन टू वंडर व्हाट अ प्लैनेट हुड रियली मींस, कि अगर आप कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करते हो तो फिर आप उसको प्लैनेट कह देते हो, तो बेसिकली प्लैनेट हैं क्या. तो इस डिबेट के शुरू होने की वजह से 2006 में फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास की, और इस रिजोल्यूशन में उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई प्लैनेट्स की, डार्फ प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स वगैरह की. और जो रिसेंटली उन्होंने KBO सिस्टम डिस्कवर किया था उसको इन्होंने अलग से नाम दिया ह्यूमी एंड मेक का, और इसको इन्होंने डार्फ प्लैनेट्स में डाल दिया. और फिर ये भी कहा कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 100 से ज़्यादा डार्फ प्लैनेट्स हैं, और इवन कीपर बेल्ट में जो है इससे भी ज़्यादा सोलर बॉडीज़ पाई जाती हैं. तो अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इन्होंने प्लैनेट्स को कैसे डिफाइन किया. सो द इट सेज दैट अ प्लैनेट मस्ट डू थ्री थिंग्स. नंबर फर्स्ट इज इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार्स, यानी इन अवर कॉस्मिक नेबरहुड द सन. एक तो ये फुलफिल होना चाहिए कि आप उसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कह सकते हो जिसका एक प्रॉपर ऑर्बिट हो और वो एक स्टार के गिर्द रिवॉल्व कर सके. सो इन आवर कॉस्मिक नेबरहुड आवर स्टार इज सन, जो सोलर सिस्टम में है, और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. द सेकेंड थिंग इज़ इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू अ स्फेरिकल शेप, यानी इसका इतना मास हो, इसका इतना मैग्नीट्यूड हो और इतनी ग्रेविटी हो इसकी कि वो उस ग्रेविटी के बेसिस पे एक स्फेरिकल शेप को अज्यूम कर सके. द थर्ड थिंग इज़ इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन,
यानी जो स्टार है, जो सन है, उसके गिर्द जो इसका एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में सिर्फ यही रहे, इसके साइज का कोई दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वहाँ ना हो, यानी इसकी इतनी ग्रेविटी हो कि कोई दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इसके ऑर्बिट में ना आ सके और इसका नेबरहुड क्लियर हो. सो 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रेजोल्यूशन पास की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टार्स की डेफिनेशन उन्होंने की थी कि इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी एंड हैज़ अ क्लियर नेबरहुड. सिमिलरली इसी रेजोल्यूशन में फिर उन्होंने डार्फ प्लैनेट को डिफाइन किया था. And according to them, dwarf planet is a celestial body that is in orbit around the sun. जैसे कि एक आम planet होता है, ये भी sun के गिर्द orbit करेगा या किसी भी star के गिर्द. The second thing is has a sufficient mass for its self gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium. वही case जो एक planet में होता है कि उसका इतना ज़्यादा mass या इतनी gravity हो कि एक वो spherical shape में आ जाए और एक hydrostatic equilibrium state में हो, एक shape में हो, round shape में हो. बट द थर्ड थिंग इज जो कि डिफरेंट है डार्फ प्लैनेट की प्लैनेट से, कि जो डार्फ प्लैनेट होता है उसका नेबरहुड क्लियर नहीं होता, और जो डार्फ प्लैनेट है हम उसको सैटेलाइट भी नहीं कहते. तो प्लूटो को अब हम नाइन्थ प्लैनेट इसलिए नहीं कहते क्योंकि प्लूटो ये जो स्टार्ट की चीज़ें हैं, यानी वो सन के गिर्द ऑर्बिट भी करता है, उसका एक सफिशेंट मास भी है, मैग्नीट्यूड भी है, प्लूटो का जो हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम शेप भी है उसकी. लेकिन द थिंग इज़ के प्लूटो का जो नेबरहुड है वो क्लियर नहीं है, तो इस वजह से अब हम प्लूटो को सोलर सिस्टम का नाइन्थ प्लैनेट नहीं कहते. अब हम कहते हैं कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, जबकि प्लूटो को हम अब डार्फ प्लैनेट में रखते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू सेम रिजोल्यूशन ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द सन शेल बी रेफर टू एज स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज. इसमें फिर एस्टेरॉइड्स भी आते हैं और बाकी तमाम जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी सैटेलाइट्स से और प्लैनेट्स वगैरह को निकाल के फिर हम उनको स्मॉल सोलर बॉडी सिस्टम्स कहते हैं. ओके, द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज स्टार. स्टार इज बेसिकली ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन हीलियम दैट प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड द कोर. तो अब सेलेस्टियल बॉडी की अगर हम डेफिनेशन करें, सो बाय डेफिनेशन अ सेलेस्टियल बॉडी इज एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. जितनी भी चीज़ें हम स्काई में देख रहे होते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं या हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. सो दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स. इन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं या हम इनको हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट आर कॉल्ड प्लैनेट्स. ओनली दो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. बट एज अ होल हम स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स, इन सबको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं. तो जो स्टार होते हैं बेसिकली वो हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. मोस्टली इनकी अपनी लाइट होती है और इनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं और वो एक हीलियम का एटम बनाते हैं, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और उसकी फिर लाइट भी होती है. तो स्टार्स में अगर हम देखें, सो द लार्जेस्ट नोन स्टार्स इन टर्म्स ऑफ द मास एंड ब्राइटनेस इज कॉल्ड पिस्टल स्टार. और ये बिलीव किया जाता है कि पिस्टल स्टार इज़ अबाउट 100 टाइम्स एज मैसिव एज आवर सन. क्योंकि हमारे गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही स्टार है सन, जिसके गिर्द हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं कायनात में, और उनमें सबसे जो बड़ा, जो मैसिव या ज़्यादा ब्राइट स्टार है उसे हम पिस्टल स्टार कहते हैं. अच्छा, फिर जो पिस्टल स्टार है, ज़्यादातर जितने भी गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं इंक्लूडिंग द सन, दे आर कैटेगराइज्ड एज अ मेन सीक्वेंस स्टार्स. अब मेन सीक्वेंस स्टार्स हम इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन that is converting hydrogen to helium and then radiating the x-rays. So this process emits an enormous amount of heat keeping the star hot and shiny and bright. तो जितने भी सन हैं और हमारे गैलेक्सी में मोस्टली जितने भी स्टार्स हैं उनको मेन सीक्वेंस स्टार्स कहते हैं, क्योंकि इनका एक स्टेबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है. अगर हम टाइप्स की बात करें, सो देयर आर 7 मेन टाइप्स ऑफ स्टार्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और इनको हम ओ, बी, ए, एफ, जी, के और एम कहते हैं. इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेचर के बेसिस पे हम स्टार्स की कैटेगराइजेशन किस तरह से करते हैं.
अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है सीएसएस में और पीएमएस में, वो स्टार्स के और प्लैनेट्स के बीच का डिफरेंसेस पूछते हैं। रिसेंटली अभी 2021 के सीएसएस में भी ये क्वेश्चन आया था। तो लेट्स डिफाइन स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड देयर डिफरेंसेस। तो पहले, स्टार्स आर एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट एंड प्रोड्यूस ड्यू टू द थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन अकरिंग एट इट्स कोर। एंड वॉट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स आर बेसिकली दैट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और दैट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ अ फिक्स पाथ और अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड द स्टार, अराउंड द सन, इन विच इट मूव्स अराउंड द स्टार। सेकेंड डिफरेंसेज इनमें अगर हम देखें लाइट की बात करें, तो स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, क्योंकि उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हीट निकलती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, तो प्लैनेट्स का इंक्लूडिंग द अर्थ कोई अपना, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कुछ हो नहीं रहा होता प्लैनेट्स वगैरह में, तो इस तरह से उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, बल्कि हमें जो ज़मीन या जितने भी आसपास के सियारे हैं, प्लैनेट्स हैं, अगर वो हमें लगती भी हैं कि उनमें कोई कलर है, या इवन जो मून का जो कलर है वो इतना ब्राइट नज़र आता है, बेसिकली वो स्टार के कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो स्टार है, जो सन है, उसकी लाइट पड़ती है इन ऑब्जेक्ट्स पे, इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पे, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो हमें ब्राइट नज़र आती है। लेकिन जितने भी प्लैनेट्स हैं या जो सैटेलाइट्स हैं, इनकी अपनी कोई नेचुरल लाइट नहीं होती, स्टार्स की अपनी नेचुरल लाइट होती है। फिर अगर हम इनकी तीसरी डिफरेंसेस पे बात करें, इनकी पोजीशन पे, तो स्टार्स मूव इन देयर ओन सेपरेट ऑर्बिट्स विद अ हाई स्पीड, बट ड्यू टू द कंसिडरेबल डिस्टेंस देयर मोशन कैन बी सीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड इन केस ऑफ प्लैनेट्स, दे चेंज पोजीशन एज दे मूव अराउंड द सन। ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ये रोटेट भी कर रहे होते हैं और ये रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं सन के गिर्द, और इनका जो सन के साथ डिस्टेंस है, ये भी आप कह सकते हैं कि ये समहाउ चेंज हो रहा होता है। तो ये प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्स की बात करें, तो इनका भी अपना एक ऑर्बिट है। जैसे हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है, इसी तरह जो स्टार्स हैं, जो सन है, ये गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इनका भी अपना एक ऑर्बिट होता है, और ये काफ़ी हाई स्पीड में उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जो इनका डिस्टेंस होता है ना, उस वजह से हमें इनके जो मोशन है, हम बहुत टाइम बाद इनके मोशन को, स्टार्स की मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि अच्छा, ये भी मोशन करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, प्लैनेट्स चेंज देयर पोजीशन, और हम प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, हम उनको ईजिली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। फिर अगर हम इनकी साइज़ पे बात करें, तो वी ऑल नो दैट जितने भी स्टार्स होते हैं, सिर्फ अगर हम सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम की ही बात करें, तो सूरज बहुत बड़ा है स्टार बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके मुकाबले में। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, और स्टार्स बहुत बड़े होते हैं। फिर अगर हम शेप की बात करें, तो जितने भी स्टार्स होते हैं, क्योंकि दे आर गैसेस, मेड अप ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो इनका कोई एक सॉलिड शेप नहीं होती इनकी। आप नहीं कह सकते हो कि ये कोई बहुत सॉलिड स्फेरिकल शेप में है, या किसी स्टेबल हाइड्रोस्टेटिक राउंड शेप में है, बल्कि ये कैन बी कंसिडर एज डॉट्स इन द स्काइज। तो इनका कोई ऐसा शेप नहीं होता। लेकिन अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, सो प्लैनेट्स अज्यूम द स्फेरिकल शेप ड्यू टू देयर ग्रेविटी एंड ड्यू टू देयर मैग्नीट्यूड। बट मैग्नीट्यूड और मास जो है वो स्टार्स का काफ़ी ज़्यादा होता है प्लैनेट्स के मुकाबले में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गैसेस होती हैं और उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जबकि अगर प्लैनेट्स का एक प्रॉपर सॉलिड राउंड शेप होता है, एक प्रॉपर स्फेरिकल शेप होता है, एक डिफरेंस इनमें ये आता है। फिर अगर हम टेम्परेचर की बात करें, वो भी दोनों का डिफरेंट होता है। जो स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उनके कोर में। लेट्स से जो सन की एग्जांपल अगर हम लें, तो सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बट एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, प्लैनेट्स हैव लो टेम्परेचर, सो देयर टेम्परेचर माइट बी इफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द नियर बाय स्टार। यानी जो स्टार्स सन के ज़्यादा करीब हैं, वो ज़्यादा उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई होता है। तो ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट का जो है सन से कितना डिस्टेंस है, तो वो उनका जो टेम्परेचर है वो उससे भी वैरी करता है। लेकिन अगर वो सन के बहुत भी करीब हो, तो भी उनका टेम्परेचर सन जितना नहीं होता। तो जो स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर ऑब्वियसली प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर अगर हम इनकी डिफरेंसेस पे बात करें, तो स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अर्थ्स एटमोसफेयर।
अब ये ट्विंकलिंग क्यों होती है स्काई में अक्सर हमें रात को दिखाई देती है, बिकॉज द लाइट फ्रॉम अ स्टार रेसेस थ्रू आउट आवर एटमोसफियर एंड इट देन बाउंसेज एंड बम्प्स थ्रू द डिफरेंट लेयर्स बेंडिंग द लाइट बिफोर वी सी इट. सो द हॉट एंड द कोल्ड लेयर्स ऑफ एयर कीपिंग एंड बेंडिंग ऑफ द लाइट चेंजेस टू so which causes the stars appears as to wobble or to twinkle. But as compared to stars, अगर हम planets की बात करें, so planets are a bit closer to earth and light reflected from them passes directly through the earth atmosphere without any bending and without any हम कह सकते हैं reflection, so they do not twinkle. तो एक differences इनमें ये भी है कि जो stars होते हैं उनसे जो light आ रही होती है atmosphere में वो bend भी होती है और वो refract भी होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स होती हैं एयर की, कुछ हॉट एयर की लेयर्स होती हैं, कुछ कोल्ड लेयर की एयर्स होती हैं, और फिर उस डिफरेंसेस ऑफ लेयर्स की वजह से भी जो लाइट है वो चेंज होने लगती है, कहीं पर उसकी ज़्यादा बेंडिंग होती है, कहीं पर उसकी कम बेंडिंग होती है. तो ये जब बेंड होती है या वापस बाउंस बैक होती है तो वो हमें ट्विंकलिंग नज़र आती है, जैसे सितारे चमक रहे हों. लेकिन जो प्लैनेट्स हैं तो उनमें ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो उनमें रिफ्लेक्शन तो हो रही होती है, जो सन की लाइट उन पर पड़ती है वो वापस हम रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन उनमें ऐसे बेंडिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा कि वो हमें ट्विंकलिंग की तरह नज़र आए. तो ये बेसिक रीज़न है कि प्लैनेट्स जो हैं दे डू नॉट ट्विंकल बट स्टार्स डू ट्विंकल. फिर हम इनके मैटर पर बात करें तो जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और बाकी मुख्तलिफ किस्म के लाइट एलिमेंट्स भी हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम नहीं होता. लेकिन प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, सो प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ अ स्टेट्स ऑफ मैटर सच एज सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीस. तो एक मैटर का डिफरेंसेस भी इनमें आ जाता है कि एक गैसेस से मिलकर बना है और एक मुख्तलिफ किस्म के मैटर स्टेट से मिलकर बना है. फिर हम नंबर की बात करें, सो देयर इज़ ओनली वन स्टार इन द सोलर सिस्टम बट ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सीज एंड पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल हैं. हम स्टार्स का नहीं कह सकते कि इतने स्टार्स हैं, अनकाउंटेबल हैं स्टार्स. बट एज़ कम्पेयर टू स्टार्स अगर हम प्लैनेट्स के नंबर की बात करें तो वी कैन ईजिली से दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. फिर हम इनके ऑर्बिट पर बात करें तो ईच स्टार ऑर्बिट्स अराउंड द गैलेक्सी सेंटर. यानी हमें ऐसे लगता है कि शायद सूरज एक ही गैलेक्सी के सेंटर में रुका हुआ है, स्टैटिक है, बट द सन इज़ नॉट स्टैटिक, सन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द गैलेक्सीज. तो इनका भी अपना एक ऑर्बिट होता है, प्लैनेट्स का भी अपना एक ऑर्बिट है, एंड द प्लैनेट्स यूजुअली रिवॉल्व अराउंड द सोलर सिस्टम, रिवॉल्व अराउंड द सन. फिर स्पीड की अगर हम बात करें तो स्टार्स हैव अ हाई स्पीड एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स डू हैव अ लो स्पीड. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ द कलर ऑफ स्टार्स इज़ कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर्स. CSS के 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्स के टेम्परेचर, उनके मैग्नीट्यूड और उनकी कलर स्कीम के बारे में. तो बेसिकली स्टार शोज अ मल्टीट्यूड ऑफ कलर्स इंक्लूडिंग रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट एंड ब्लू, एंड स्टार्स आर नॉट ऑल द सेम कलर्स बिकॉज दे डू नॉट ऑल हैव द आइडेंटिकल टेम्परेचर्स. अगर हम रात के टाइम देखें भी आसमान पे तो मुख्तलिफ किस्म के सितारे हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, और उन सितारों का जो कलर है वो सेम नहीं होता. मुख्तलिफ सितारे होते हैं, कुछ ज़्यादा वाइट तरह की ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, कुछ येलो तरह की या किसी और. तो बेसिकली इनमें मुख्तलिफ किस्म की कलर स्कीम्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट और ब्लू. और ये क्यों डिफरेंट क्यों है, एक स्टार का कलर जो है वो दूसरे स्टार के कलर से डिफरेंट क्यों है, तो इसके रीज़न है, उसका आंसर है इनका टेम्परेचर. जितने भी स्टार्स होते हैं उन सब का टेम्परेचर सेम नहीं होता, हर एक स्टार का अपना अलग अलग टेम्परेचर है. और टेम्परेचर क्यों सेम नहीं होता, क्योंकि जितने भी स्टार्स हैं उनमें सेम तरह के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहे होते, डिफरेंट होते हैं. उनके मास पे डिपेंड करता है, उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और उनके लाइफ स्पैन पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका है या वो स्टार कितना पुराना है. तो उसके बेसिस पे इनका टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर का और कलर का बहुत रिलेशन है इन केस ऑफ स्टार्स. सो द एस्ट्रोनोमर्स हैव डिवाइस क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर करेक्टराइजिंग द कलर ऑफ अ स्टार एंड देन यूजिंग दोज कलर्स टू डिटरमिन द स्टेलर टेम्परेचर. तो बेसिकली
हमें पता कैसे चलता है कि कोई स्टार है तो उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, या अगर हम मुख्तलिफ किस्म के स्टार्स की कैटेगराइजेशन करना चाहें कि हॉटेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो हम बेसिकली उनके कलर्स की वजह से करते हैं। और उसके लिए एस्ट्रोनोमर्स ने मुख्तलिफ किस्म के क्वांटिटेटिव मेथड्स को डिवाइस किया है, जिसके ज़रिए से हम इनके कलर्स को और इनके टेम्परेचर्स के रिलेशन को समझ सकते हैं। So stars have different colors which are indicators of temperature, and the hottest stars tend to appear blue or white blue, whereas the coolest stars are red. ये चीज़ important है MCQs के लिए भी कि सबसे hottest star किस color का होता है और सबसे coolest star किस color का होता है। तो we will discuss के hottest star blue क्यों होता है। Blue colors dominate the visible light output of every hot stars with much additional radiation in the ultraviolet रेज। बेसिकली जितना ज़्यादा स्टार हॉट होगा, जितना ज़्यादा उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, जितना ज़्यादा उसके हाइड्रोजन कन्वर्ट होंगे हीलियम में, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उतना वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जितना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स रेज प्रोड्यूस कर रहा है, उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा हॉट होता है स्टार्स, वो जो रेज से निकलती हैं वो मोस्टली शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेंज में आती हैं। और क्योंकि अल्ट्रावायलेट जितनी भी रेज हैं वो ब्लू इन कलर्स होती हैं, सो दैट्स वाई जितनी भी वो स्टार्स जो हमें स्काई में ब्लू कलर के या वाइट कलर के ट्विंकलिंग कलर्स में दिखाई देते हैं कि ये ब्लू कलर का है या वाइट कलर का है, मोस्टली टेलीस्कोप के ज़रिए एस्ट्रोनोमर्स इनको देखते हैं। लेकिन हम भी कभी नेकेड आई में देखें अगर आसमान की तरफ, तो बहुत सारे स्टार्स हमें वाइट कलर में भी चमकते हुए नज़र आते हैं। तो बेसिकली ये वो स्टार्स होते हैं जिन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांगली हो रहा होता है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उनसे जो रेज निकलती है उनकी एनर्जी बहुत होती है, लेकिन वो शॉर्टर वेवलेंथ में होती है। और हम जानते हैं कि वो तमाम रेज जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं उनकी, तो उनकी क्योंकि वेवलेंथ शॉर्ट है, अल्ट्रावायलेट रेज रेंज में आती हैं, इसलिए वो ब्लू कलर में होते हैं। फिर अगर हम कूल स्टार की बात करें तो ऑन द अदर हैंड द कूल स्टार्स इमिट मोस्ट ऑफ देयर विजिबल लाइट एनर्जी एट रेड वेवलेंथ्स विद मोर रेडिएशन कमिंग ऑफ इन द इंफ्रारेड। अब जो इन स्टार्स का में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन लेट्स से कि थोड़ा सा इतना वो नहीं होता हॉट स्टार्स के जितना वो नहीं होता न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन उनका, तो वो जो कूल स्टार्स होते हैं उनके टेम्परेचर जिनका थोड़ा सा डाउन होता है, तो उनसे जो रेज निकल रही होती हैं उनकी एनर्जी भी ऑब्वियसली कम होती है। और हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ है वो और एनर्जी है इनका रिवर्स रिलेशन है, अगर वेवलेंथ बहुत लॉन्ग होगी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी ज़्यादा हो तो वेवलेंथ शॉर्ट होता है। तो इस केस में जो स्टार जिन स्टार्स का टेम्परेचर कम होता है उनसे जो निकलने वाली रेज होती हैं उनका भी एनर्जी कम होती है और उनका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो लॉन्ग वेवलेंथ होता है वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, और इंफ्रारेड जो है वो रेड कलर देता है। दैट्स वाई वी से दैट जितने भी हॉट स्टार्स हैं वो ब्लू इन कलर हैं और जितने भी कोल्ड स्टार्स हैं वो रेड इन कलर हैं। The color of a stars therefore provides a measure of its intrinsic or true surface temperature. कि हमें यही कलर अगर कोई स्टार ब्लू है तो फिर हम इसी से मेयर करते हैं कि इसका इंट्रेंसिक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और अगर कोई स्टार रेड है तो उससे पता चलता है कि इसका इंट्रेंसिक टेम्परेचर काफ़ी कम है। Now the hottest stars have temperature of over 40,000 Kelvin and the coolest stars have a temperature of about 2,000 Kelvin. ये एक रेंज है इनके टेम्परेचर्स की। अवर सन सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट 6,000 केल्विन, सो इट्स पीक वेवलेंथ कलर इज स्लाइटली ग्रीनिश येलो है। जो सन है हमारा, ना तो ये बिल्कुल, ना हम इसको कूल स्टार भी नहीं कह सकते, ना ही ये हॉटेस्ट स्टार में आता है इसका, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर 6,000 केल्विन है, और ये जो वेवलेंथ इमिट करता है वो स्लाइटली ग्रीनिश या येलो फॉर्म में होती है। इज दैट्स वाई द सन अपीयर्स एज अ वाइट और एज अ येलो स्टार्स इन सोलर सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि इट लुक्स सम वट येलो एज सीन फ्राम द अर्थ सर्फिस बिकॉज अवर प्लैनेट्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स स्कैटर सम ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ्स और ब्लू वेवलेंथ्स आउट ऑफ द बीम्स ऑफ सनलाइट दैट रीचेज अस, सो लिविंग मोर लॉन्ग वेवलेंथ लेफ्ट बिहाइंड। के अगर हम देखें तो हमें क्योंकि जो सूरज है ये बेसिकली इसका जो कलर है वो स्लाइटली ग्रीनिश येलो है, लेकिन ये हमें कम्प्लीटली येलो नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि जो रेज निकल रही होती हैं सन से
वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन रेस को वापस स्कैटर्ड कर देते हैं। अब उसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं जिन्हें हम ब्लू वेवलेंथ्स कहते हैं, ये उन्हें वापस ये भेज देती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द स्काई लुक्स ब्लू, क्योंकि इसीलिए स्काई हमें ब्लू नज़र आता है कि जो सूरज से निकलने वाली शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं, ब्लू वेवलेंथ्स होती हैं, उन्हें वापस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैटर्ड आउट कर देते हैं। तो जब वो वापस बाउंस बैक होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तो उस बेसिस पे हमें जो पूरा स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। और कुछ जो लॉन्गर वेवलेंथ्स होते हैं वो ज़मीन तक पहुँच जाते हैं और उनमें फिर ये येलो वेवलेंथ्स भी आते हैं येलो कलर के, तो दैट्स वाई द सन अपीयर्स लाइक अ येलो इन स्काई। सो दिस आल्सो एक्सप्लेन्स वाई द स्काई इज़ ब्लू। द ब्लू स्काई इज सनलाइट स्कैटर्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार्स कलर्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर्स। जो ब्लू स्टार्स हैं जिनका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है, हम कह सकते हैं कि 40,000 से 25,000 केल्विन इनका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर होता है। और एग्जांपल है इसकी स्पेका। फिर हम वाइट स्टार की बात करें तो वाइट स्टार्स थोड़े से कम हॉट होते हैं कंपेयर टू ब्लू स्टार्स, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो 10,000 अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है। एन एग्जाम्पल इज़ वेगा स्टार, इस ये वाइट स्टार है और स्पेका जो है वो सबसे हॉटेस्ट स्टार्स में आता है। फिर येलो स्टार्स की बात करें, जैसे सन है तो इसका जो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर वो 6,000 केल्विन है। फिर हम ऑरेंज स्टार्स की बात करें एल्डेबारन की, तो 4,000 उनका सरफेस टेम्परेचर है। और फिर जब हम कुलस स्टार की बात करें जो रेड स्टार होते हैं जिनसे रेड वेवलेंथ्स निकलती हैं, तो वो 3,000 केल्विन उनका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है। और एग्जाम्पल उसकी बैटल गीज। तो ये दीज आर सम ऑफ द स्टार्स एंड देयर टेम्परेचर्स एंड देयर कलर्स। तो इन कलर स्कीम की वजह से हमें टेम्परेचर का पता चलता है कि उन स्टार्स का टेम्परेचर क्या है और वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो उस बेसिस पे हम फिर स्टार्स की कैटेगराइजेशन करते हैं और उनको 7 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्स, के स्टार्स का जो है वो मैग्नीट्यूड क्या है। अच्छा, स्टार्स के मैग्नीट्यूड के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है, जो एस्ट्रोनॉमर्स सिस्टम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली जॉनसन यूबीवी सिस्टम हम उसको कहते हैं, या उसको हम फोटोमेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अब बेसिकली ये सिस्टम क्या है, अ वाइडली यूज फोटोमेट्रिक सिस्टम जॉनसन यूबीवी सिस्टम एम्प्लॉयज़ 3 बैंड पास फिल्टर्स, इनमें यूज़ किए जाते हैं। एंड दीज फिल्टर्स आर अल्ट्रा वायलेट फ़िल्टर यूज़ किया जाता है जिसे यू फिल्टर कहते हैं, वी फिल्टर यूज़ किया जाता है जिसे विजिबल फ़िल्टर कहते हैं, और बी फिल्टर यूज़ किया जाता है जिसे ब्लू फिल्टर कहते हैं। सो बेसिकली ये इन्हीं यू फिल्टर, बी फिल्टर और वी फिल्टर के बेसिस पे इसको जॉनसन यूबीवी सिस्टम कहा गया है। अब ये जो फ़िल्टर्स होते हैं ये बेसिकली क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये फ़िल्टर असल में इन फोटोमेट्रिक सिस्टम में लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस में फिल्म्स या मुख्तलिफ किस्म के लाइट सेंसिटिव कैमराज यूज़ किए जाते हैं, और फिर टेलीस्कोप में में इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि टेलीस्कोप की मदद से जो स्टार्स होते हैं उनकी ब्राइटनेस को देखा जाता है, उनकी इंटेंसिटी को बेसिकली इन फिल्टर्स के ज़रिए से देखा जाता है। अब टेलीस्कोप से जो लाइट है, जो स्टार से लाइट निकल रही होती है, उसकी इंटेंसिटी निकल रही होती है, वो इन जो 3 फिल्टर्स हैं, यू फिल्टर, बी फिल्टर और वी फिल्टर, और इनके जो वेवलेंथ है वो 360 नैनोमीटर है, 420 नैनोमीटर और 550 नैनोमीटर के ये फ़िल्टर्स होते हैं। तो टेलीस्कोप से स्टार्स को, इन डिवाइसेस को जब यूज़ किया जाता है टेलीस्कोप में, तो वो जो लाइट निकल रही होती है स्टार्स से वो बेसिकली इन फिल्टर से पास होती है। जब वो इन फिल्टर से पास होती है, सो वी दीज पासिंग लाइट्स आर डेजिग्नेटेड एज एफ़ यू अगर वो यू फिल्टर से पास हुई, एफ बी अगर वो ब्लू फिल्टर से पास हुई, और एफ वी अगर वो विजिबल फिल्टर से पास हुई। सो ब्राइटनेस इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कि एक फिल्टर से एक सेकेंड में
और एक सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। अगर वो अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है जिसकी अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो मींस इसका मैग्नीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है और उसका ऑब्वियसली उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा होगा और वो हॉटेस्ट है। तो इन फिल्टर्स के ज़रिए से बेसिकली हम ब्राइटनेस चेक करते हैं स्टार्स की और उसी ब्राइटनेस से फिर हमें मैग्नीट्यूड का पता चल रहा होता है कि अगर एक स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली हम स्टार्स के मैग्नीट्यूड को इस सिस्टम के ज़रिए से पता करते हैं कि उनकी जो ब्राइटनेस है उनको हम फिल्टर्स से पास करते हैं और फिर वो जो फिल्टर्स हैं उनमें फिर हम डिफरेंसेस भी कर रहे होते हैं कि लेट्स से उनका एक प्रॉपर रेशो निकाला जाता है कि अगर एक स्टार का जो लाइट है वो वॉयलेट रेस से भी निकला है, वॉयलेट फिल्टर से भी निकला है, वो ब्लू से भी निकला है, तो फिर हम वॉयलेट फिल्टर और ब्लू फिल्टर के बीच में रेशो निकालते हैं कि वो वॉयलेट से कितना निकला था उसकी एनर्जी कितनी थी, वो ब्लू से कितना निकला था, वो विजिबल फिल्टर से कितना निकला था। तो इस बेसिस पे उस रेशो के बेसिस पे हमें फिर मैग्नीट्यूड का पता चलता है। So the difference between any two of these magnitude, let's say between the blue and visual magnitude BV is called color index. और फिर हम इनके जो डिफरेंस है उन्हें हम कलर इंडेक्स बोल रहे होते हैं। सो नॉर्मली एस्ट्रोनोमर्स मेजर कलर स्टार्स अपेरेंट ब्राइटनेस थ्रू फिल्टर्स एंड नीच ऑफ विच ट्रांसमिट्स ओनली द लाइट फ्रॉम अ पर्टिकुलर नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ्स। ठीक है, जो ब्राइटनेस है उससे हम फिल्टर्स के ज़रिए से ऐसे मालूम करते हैं कि हर एक फ़िल्टर जो है वो एक ख़ास तरह की लाइट को ही ट्रांसमिट कर सकता है। तो वो जिस फिल्टर से लाइट ट्रांसमिट हो रही है उससे फिर हमें उसके नैरो वेवलेंथ का पता चलता है, हम उसके बैंड वेवलेंथ का पता चलता है और उससे फिर हम उस ब्राइटनेस से फिर हम उसके मैग्नीट्यूड का भी पता लगा देते हैं। सो द ब्राइटनेस मेजर थ्रू ईच फिल्टर इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड्स। के जितना ज़्यादा किसी फिल्टर से वो निकल रहा है उससे फिर हमें मैग्नीट्यूड का पता चलता है एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ दिस मैग्नीट्यूड लेट्स से बिटवीन द ब्लू एंड विजुअल मैग्नीट्यूड्स इज कॉल्ड कलर इंडेक्स। और फिर हम इनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंसेस को कलर इंडेक्स कहते हैं। So in order to specify the exact color of stars, astronomers normally measures a star's apparent brightness through filters and each of which transmits only the light from a particular band of a wavelength color. A crude example of a filter हम कह सकते हैं कि let's say एक कोई green bottle अगर हम लें, plastic की bottle अगर हम लें और उसमें से जितने भी अंदर भी कोई मटेरियल हो वो भी हमें ग्रीन दिखाई देता है और अगर हम उस प्लास्टिक को या हम किसी ग्रीन प्लास्टिक की ग्लासेस पहन लें तो उसके से हम जो भी चीज़ें देखेंगे वो सब हमें ग्रीन रिफ्लेक्शन में ही दिखाई देंगी। तो बेसिकली इन फिल्टर्स को भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है कि इसमें से जो भी लाइट रेज निकल रही होती हैं स्टार्स की वो हमें उसी फिल्टर्स अगर से गुजर रही हैं तो फिर हमें वो उसी तरह से नज़र आती हैं कि अगर वो ब्लू से गुजर रही हैं या वो विजिबल फिल्टर से गुजर रही हैं ज़्यादा या फिर वो जो हमारा यू सिस्टम था बी था वॉलेट था। अब इन फिल्टर से गुजरने के साथ साथ ही हमें उनकी ब्राइटनेस का भी पता चल जाता है वेव बैंड का और फिर हम उसके मैग्नीट्यूड को पता करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम स्टार्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। Why use a color index if it ultimately implies temperature? Means कि अगर हमें पता है कि एक स्टार है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो उसका कलर ऑब्वियसली या तो ब्लू होगा या तो वाइट होगा तो फिर हम कलर इंडेक्स को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कलर इंडेक्स को हम मैग्नीट्यूड की वजह से यूज़ करते हैं, हम उससे मैग्नीट्यूड का डिफरेंस मालूम करते हैं। सो मेजर एनी टू वेवलेंथ्स एंड इज़ वन वे दैट एस्ट्रोनोमर्स मेजर एंड एक्सप्रेसेस द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार्स। के हमें फिर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस पता चलता है और फिर हम उसी से न सिर्फ टेम्परेचर या का अंदाज़ा लगाते हैं बल्कि स्टार्स की लाइफ टाइम का भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो स्टार है ये कितने बिलियंस पुराना है और ये कितना न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें अब तक हो चुका होगा या इसकी कितनी लाइफ टाइम बाकी है। सो बेसिकली हमें पता है कि जो स्टार्स हैं दे आर फ्यूल्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एट देयर कोर एंड देयर इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन थ्रू आउट द स्टार्स लाइफ बिटवीन द एक्सपेंडिंग हीट ऑफ द रिएक्टिव कोर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होल्डिंग द स्टार्स टुगेदर।
तो ये बिल्कुल इनमें एक इक्विलिब्रियम होता है, इनके स्टार्स के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, और फिर स्टार्स के अपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है जो कि उन स्टार्स को एक साथ रखती है। तो अगर हम फिर इनकी लाइफ टाइम पर भी बात करें, सो फ्यूजन प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड फ्यूजन रिलीज सम ऑफ द एनर्जी दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस टुगेदर अनलैशिंग रिमार्केबल पावर। एंड द स्टार्स बिगिन एज अ मास ऑफ द डस्ट एंड गैस डेंस इनफ टू स्टार्ट कोलैप्सिंग इनवर्ड अंडर द प्रेशर ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी, एंड इफ दिस प्रोटो स्टार इज मैसिव इनफ इट विल इवेंचुअली इनिशिएट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन इट्स हॉट डेंस कोर। सो बेसिकली अगर हम स्टार्स की लाइफ टाइम पर बात करें, जितना ज़्यादा उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है उतने ही स्टार्स की जो लाइफ टाइम है वो कम हो रही होती है। सो द स्टार्स दैट आर हॉटर एंड मोर ल्यूमिनस दैन द सन लीव फॉर शॉर्टर टाइम्स, वाइल द स्टार्स दैट आर कूलर एंड लेस ल्यूमिनस लीव फॉर लॉन्गर टाइम्स। क्योंकि सन, अगर हम कुछ सन को हम स्टैंडर्ड बनाएँ तो फिर हम कहते हैं कि एट द स्पॉट वेयर द सन इज़ लोकेटेड विद वन सोलर ल्यूमिनोसिटी एंड अ सर्फेस टेम्परेचर ऑफ 6000 के स्टार्स लीव फॉर अबाउट 1000 ईयर्स और 10 बिलियन ईयर्स तक रह सकता है। तो हम सूरज के लिए भी यही कहते हैं कि इसका जो लाइफ टाइम है वो 10 बिलियन और 9 बिलियंस तक होगा। तो 4.5 बिलियन सूरज गुजार चुका है अपनी लाइफ और 4.5 बिलियन रहती है इसकी लाइफ। तो अगर हम सूरज को स्टैंडर्ड बनाएं, सन को स्टैंडर्ड बनाएं, तो हम कहते हैं कि वो तमाम स्टार्स जो कि सूरज से ज़्यादा उनका टेम्परेचर हॉट है तो उनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट है। अब वजह क्या है? क्योंकि जितना ज़्यादा स्टार हॉट होता है उतना ही ज़्यादा उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो अगर तमाम के तमाम हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम में तो पीछे फिर स्टार के पास कुछ नहीं बचता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर स्टार्स जो है वो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करके फिर ख़त्म होने के फेस में आ जाता है। और वो तमाम स्टार्स जिनका टेम्परेचर सूरज से कम है उनको हम जो कोल्ड स्टार्स हैं उनकी ल्यूमिनोसिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी जो ल्यूमिनोसिटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है इनके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। दैट्स वाई अगर हम स्टार के फॉर्मेशन पे बात करें तो हम कहते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो प्रो स्टार्स के फेस से स्टार्ट होते हैं उनमें, क्योंकि ये क्लाउड्स होते हैं गैसेस की इनके कोर में, और जब ये क्लाउड कोलैप्स कर जाते हैं तो इनसे हीट प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो स्टार का जो फेस है उसे हम प्रोटो स्टार कहते हैं। एंड इट इज़ दिस हॉट कोर एट द हार्ट ऑफ द कोलैप्सिंग क्लाउड दैट विल वन डे बिकम अ स्टार। तो वो जितना उसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ा होता है और फिर वो प्रोटो स्टार से स्टार के फेस में आता है। So as the cloud collapses a dense and hot core forms and begins gathering dust and gas, और बाकी इससे क्या होता है मटीरियल स्टार के फेस में पहुंच जाता है और फिर जो यूनिवर्स में बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो प्लैनेट्स में, एस्टेरॉयड्स या कॉमेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टार्स के फेस पे भी बात करें तो जनरली द लार्जर द स्टार द शॉर्टर इट्स लाइफ। अब वजह इसकी क्या है? बिकॉज ऑल द मैसिव स्टार्स लिव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। और उसमें यह होता है कि स्टार, क्योंकि हाइड्रोजन इसके जब कोर में सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में तो उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो डिप्राइव ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन नीडेड टू सपोर्ट इट द कोर्स बिगेन टू कोलैप्स इनटू इटसेल्फ। वो अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाता है क्योंकि उसको मज़ीद न्यूक्लियर फ्यूजन के बंद होने की वजह से एनर्जी नहीं मिल रही होती एंड इट बिकम्स मच हॉटर। तो जो स्टार्स है जब वो अपनी लाइफ स्पेन पूरी कर जाते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है। सो हाइड्रोजन इज स्टिल अवेलेबल आउटसाइड द कोर। सो हाइड्रोजन फ्यूजन कंटिन्यूज इन अ शेल सराउंडिंग द कोर। दिस इंक्रीजिंगली हॉट कोर ऑल्सो पुशेज द आउटर लेयर्स ऑफ द स्टार्स। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं कि प्रोटो स्टार से स्टार जाता है स्टार के फेस में और फिर उसे वो रेड जायंट के फेस में जाता है। तो बेसिकली स्टार्स रेड जायंट के फेस में कैसे जाते हैं कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जब वो अपना कोर का सारा फ्यूल यूज़ कर देता है तो कोर के अंदर तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली ख़त्म हो जाता है लेकिन बाहर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस स्टार का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो जो बाहर के हाइड्रोजन होते हैं वो उनको अपने सराउंडिंग शेल्स में उन फ्यूजन उसकी शुरू हो जाती है और फिर वापस से वही रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इससे फिर क्या होता है, हम कहते हैं कि अब जो स्टार है वो रेड जैन फेस में चला गया है। तो अगर हम सन की बात करें, अपने सोलर सिस्टम के स्टार की बात करें तो सन जो है वो एक मीडियम स्टार आप उसको कह सकते हैं, ना तो वो प्रोटो स्टार है ना तो वो रेड जैंट है बल्कि इट इज़ अ स्टार।
और ये मेन सीक्वेंस फेस में है, और मेन सीक्वेंस हम तब कहते हैं इसके स्टार्स आर इन मेन सीक्वेंस फेस जब उनका जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है. हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली प्रोटोस्टार में या फिर वो रेड जैन फेस में है. उनका जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल ही से ही होता है. तो जो लार्जर स्टार्स होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है. अगर सन भी लार्जेस्ट स्टार्स में होता और सन की ल्यूमिनोसिटी अगर बहुत ज़्यादा होती तो सन का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता और अब तक सन के जितने भी कोर हाइड्रोजन का फ्यूल है वो यूटिलाइज हो चुका होता और सन का लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता. और फिर जो लाइवेबल प्लेस है सोलर सिस्टम में, जो हम अर्थ पे जो इतने लाइव ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम लाइवेबल हैं क्योंकि हमें सूरज से रोशनी मिलती है. तो ये रोशनी ना मिलती ये जो स्टार है ये कोलैप्स आउट हो जाता और फिर ये जो प्लैनेट्स हैं दे वर नॉट एबल टू लीव. तो ये वजह है कि जो हमारा सन है उसको हम कह सकते हैं कि वो ना तो बहुत लेस ल्यूमिनोसिटी फेस में है ना तो वो बहुत हाई ल्यूमिनोसिटी फेस में है. देन दिस इनिशिएट्स द मेन सीक्वेंस ऑफ अ स्टार साइकिल जो हम कह चुके हैं, प्रो स्टार देन स्टार और देन रेड जैन फेस. तो ये इनके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर डिपेंड करता है, इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, इनके कोर पर डिपेंड करता है, कोर का साइज़ कितना है, कोर और इनका जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कितना ज़्यादा तेज़ हो रहा है, स्टार कितना ज़्यादा ब्राइट है. वो जितना ज़्यादा ब्राइट होगा उसका कोर का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही हाइड्रोजन फ्यूल है और उतनी ही तेज़ी से वो हाइड्रोजन फ्यूल बर्न आउट करते हैं. तो जितने भी बिगेस्ट स्टार्स हैं, लार्जेस्ट स्टार्स हैं या हॉटेस्ट स्टार हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी कम होता है कम्पेयर टू स्मॉल स्टार्स और कम्पेयर टू लेस ल्यूमिनस स्टार्स. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टार्स होते हैं उनका कलर थ्रू आउट सेम नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि जब स्टार एक प्रोटो स्टार के फेस में होता है तो तब उसमें के अंदर उसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है. तो उस वक्त उसका टेम्परेचर इतना हॉट नहीं होता तो तब उसका कलर कुछ और होता है. लेकिन जैसे जैसे उसकी लाइफ स्पैन बढ़ती जाती है उसके अंदर जो फ्यूल है वो उतने ही तेज़ी से बर्न आउट होता है और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जितना ज़्यादा फ्यूल बर्न आउट होता है उतना ज़्यादा स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जितना स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा हो वो उतने ही ब्राइट होता है. तो ये रीज़न है कि जो स्टार है वो अपने थ्रू आउट द फेस कलर्स को चेंज कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर कोर का साइज़, उसका फ्यूल चेंज हो रहा होता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है. तो अक्सर एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टार्स हैं तो वो थ्रू आउट सेम कलर में ही रहते हैं, तो वो थ्रू आउट सेम कलर में नहीं रहते क्योंकि थ्रू आउट उनका टेम्परेचर सेम नहीं रहता. ओके, द लास्ट थिंग इज़ पास्ट पेपर क्वेश्चंस. ये जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं ज्योग्राफी के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. 2021 CSS में क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टार्स एंड प्लैनेट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टार. हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं UVB सिस्टम को डिफ़ाइन करके, फोटोमेट्रिक सिस्टम को डिफ़ाइन करते, फिर उनमें फ़िल्टर्स का जिक्र करके और फिर फ़िल्टर से वो जो लाइट निकल रही होती है तो वो जितना, अगर वो ब्लू फ़िल्टर से निकल रही है तो इसका मतलब है शॉर्टर वेव लेंथ है और हाई एनर्जी है और जो स्टार है वो ज़्यादा हॉट है. और फिर हम मुख्तलिफ फ़िल्टर से निकलने वाली जो रेज़ हैं, जो लाइट्स हैं, जो एनर्जी है, उनका हम डिफरेंस करते हैं. उस डिफरेंस को हम कलर इंडेक्स बोलते हैं और उसके बेसिस पे अगर जितना ब्राइट ज़्यादा होगा स्टार इसका मतलब है उसमें उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा है. ठीक है, तो हम इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. एंड हाउ द कलर ऑफ अ स्टार इज़ कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर, तो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि कलर कैसे, क्योंकि टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है और जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो वो उतना ही मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस को इमिट करता है. और फिर उस रेडिएशंस अगर वो ज़्यादा हॉट है तो वो शॉर्टर वेव लेंथ के फॉर्म में रेडिएशन इमिट करेगा और जो स्टार्स हैं वो हमें ब्लू नज़र आएंगे. अगर वो कम टेम्परेचर उसका कम है तो वो लॉन्गर वेव लेंथ में रेडिएट करेगा रेडिएशंस को और वो इंफ्रा रेड रेडिएशंस होंगी और वो स्टार्स जो हैं हमें फिर या येलो नज़र आते हैं या रेड नज़र आते हैं. सो दिस इज़ हाउ द कलर ऑफ अ स्टार इज़ रिलेटेड टू देयर टेम्परेचर. 2016 CSS में क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टार एंड प्लैनेट. 2008 में भी क्वेश्चन आया था CSS में डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड प्लैनेट. इसके अलावा
रिसेंटली जो पंजाब का पीएमएस है और केपी का पीएमएस है वहाँ पर भी डिफरेंसेस पूछी जाती हैं, तो फिज़िकल साइंसेस में स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच का डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. सो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम्स. थैंक यू सो मच.